चलिए आइए जानते हैं हम लोग शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ को पढ़ते हैं, एक यूनियन पढ़ते हैं और एक इंटरसेक्ट पढ़ते हैं। एक ये होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास ए इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल टू है आपके पास 5, 6, 7, 8। तब यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब इसको हम लोग ए इंटरसेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि जो दोनों में रहेगा उसी को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई कंटेंट दोनों में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 5। थैंक यू।